इस शेर को कोई मतलब नहीं, इनको मतलब पैसा मिले कुर्सी मिले। छह दिसंबर सन 1992 ये वो तारीख है जिस दिन बाबरी मस्जिद को गिराकर राम मंदिर की नींव रखी गई थी। 6 दिसंबर के बाद पूरे देश में एक खूनी जंग की शुरुआत हुई। सांप्रदायिक दंगे पूरे देश में फैल गए, जिसके बाद रातों रात अचानक अयोध्या पूरी दुनिया के नक्शे पर आ गया। मुसलमान इस ऐतिहासिक मस्जिद के गिरने के बाद गुस्से से भर उठे। अगर मान लीजिए कि मुसलमानों ने ऐसा किया है तो अब हिंदू ये नहीं, ये गलत है। और अगर हिंदुओं ने ऐसा किया है तो अब क्या मुसलमानों ने किया है तो क्या हिंदू ऐसा करना चाहिए? जब हिंदू और मुसलमान अपने अपने धार्मिक विश्वासों की लड़ाई लड़ रहे थे, तब कुछ लोग जिन्होंने इस योजना को अंजाम दिया था, योजना को परवान चढ़ने का जश्न मना रहे थे। ये वो लोग थे जो किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी के नेता थे और या फिर हिंदुत्ववादी कट्टर सोच के बड़े नेता थे, जिन्होंने भगवान राम के नाम पर इस खूनी योजना को तैयार किया था। कोबरा पोस्ट ने इन्हीं कट्टरवादी हिंदू ताकतों को अपने अंडरकवर ऑपरेशन जन्मभूमि में बेनकाब किया है। दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के गिराने की जांच के लिए भारत सरकार ने रिटायर्ड जज एमएस लिब्राहन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया। आयोग को 3 महीने बाद अपनी जांच रिपोर्ट को सौंपना था। इस रिपोर्ट को संसद में पेश करने में 17 साल का समय लगा और 40 बार इसके समय को बढ़ाया गया। लिब्राहन आयोग की इस रिपोर्ट में 68 लोगों को देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने के लिए दोषी पाया। सरकार के हस्तक्षेप के बाद सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली और 40 लोगों पर आरोप दर्ज किया। 22 सालों तक चली लंबी जांच के बाद भी सीबीआई और लिब्राहन आयोग दोनों आज तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सका है। कोबरा पोस्ट ने अपनी तहकीकात में बाबरी मस्जिद ध्वंस के आरोपियों को अपने अंडरकवर ऑपरेशन जन्मभूमि में बेनकाब किया। कोबरा पोस्ट के एसोसिएट एडिटर के आशीष ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में 23 आरोपियों से मिले। इन 23 आरोपियों में 19 आरोपियों पर सीबीआई ने चार्ज फ्रेम किए हैं। इन 23 आरोपियों में से 16 आरोपियों को लिब्राहन आयोग ने अपनी जांच में दोषी पाया है। साक्षी महाराज जो भाजपा के 1992 में सांसद थे, उमा भारती भाजपा की फायर ब्रांड नेता, बजरंग दल के धर्मेंद्र सिंह गुर्जर, विश्व हिंदू परिषद के रमेश प्रताप सिंह, फैजाबाद से शिवसेना के नेता संतोष दुबे, भाजपा के पूर्व सांसद और संत समाज के नेता महंत रामविलास वेदांती, तब उत्तर भारत के शिवसेना अध्यक्ष जय भगवान गोयल, पूर्व भाजपा सांसद बीएल शर्मा प्रेम, धर्म संसद के सदस्य आचार्य धर्मेंद्र देव, श्री राम जन्मभूमि के अध्यक्ष स्वामी नेत्र गोपाल दास,
गोरक्षा पीठ के पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ, तब के बजरंग दल के अखिल भारतीय महासचिव जयभान सिंह पवैया, तब के बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय कटियार, संत समाज की साध्वी रितंबरा, 1992 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, विश्व हिंदू परिषद के नेता चंपत राय बंसल, शिवसेना के पूर्व सांसद सतीश प्रधान, शिवसेना के पूर्व सांसद मोरेश्वर सावे, 1992 में बजरंग दल के नेता प्रकाश शर्मा, 1992 में भाजपा से विधायक लल्लू सिंह, पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह। कोबरा पोस्ट रिपोर्टर के आशीष के साथ बातचीत के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे किए। ये वो खुलासे हैं जो लिब्राहन आयोग और सीबीआई में इन अभियुक्तों की हुई गवाही को झूठा साबित करते हैं। इन आरोपियों ने इस अंडरकवर ऑपरेशन में खुलासा किया कि बाबरी मस्जिद को गिराने की योजना कई सालों से बन रही थी। इन आरोपियों की पहली कोशिश को मुलायम सिंह सरकार ने असफल कर दिया था, लेकिन 6 दिसंबर 1992 को अत्यंत गोपनीय तरीके से हुई इस साजिश में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। इन नेताओं के शक्तिशाली हथियार थे भोले भाले हिंदू। घटना के सूत्रधार राजनीतिक और धार्मिक नेताओं ने हिंदुत्व की भावना को भड़काया और इसी भावना के कारण आम लोगों ने हथियार उठाकर बाबरी मस्जिद के खिलाफ एक जिहाद छेड़ दी। कोबरा पोस्ट ने अपने इस खुलासे में बाबरी मस्जिद को गिराने की मुख्य योजना का पर्दाफाश किया है। साक्षी महाराज यह बताते हैं कि किस तरह से एक रणनीति के तहत अयोध्या आंदोलन को उग्र करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल ने एक साजिश के तहत हिंदू कार सेवकों की हत्या कराई। रामविलास वेदांती और जयभान सिंह पवैया बताते हैं कि किस तरह से कल्याण सिंह भी मस्जिद गिराने की योजना के बारे में शामिल थे। इस खुलासे में बताया गया कि संघ और बीजेपी के नेता कल्याण सिंह को रिमोट कंट्रोल की तरह मैनेज कर रहे थे। रामविलास वेदांती ने यह खुलासा भी किया कि बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए हजारों साधु संतों को उन्होंने संकल्प दिलवाया। धर्मेंद्र सिंह गुजर ने खुलासा किया कि बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए एक बलिदानी जत्थे का निर्माण किया गया था। संतोष दुबे ने इस अंडरकवर ऑपरेशन में खुलासा किया कि एलके आडवाणी ने ढांचा ध्वस्त करने के लिए अयोध्या के हनुमान बाग में एक गुप्त मीटिंग करके योजना का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। छह दिसंबर 1992 से पहले हुई इस गुप्त मीटिंग में एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, उमा भारती, अशोक सिंघल और नेता मौजूद थे। रामजी गुप्ता ने खुलासा किया कि बाबरी मस्जिद ध्वंस के लिए एक लक्ष्मण सेना का निर्माण किया गया था। रमेश प्रताप सिंह ने खुलासा किया कि गुजरात के सरखेज में 38 कार सेवकों को बाबरी मस्जिद ध्वंस की ट्रेनिंग दी गई थी। उसने बताया इस काम के लिए इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट जैसे एक्सपर्ट लोगों से सलाह भी ली गई थी। जय भगवान गोयल ने खुलासा किया कि बाबरी मस्जिद ध्वंस की तैयारियों का शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे जायजा लेते थे। उसने ये भी खुलासा किया कि बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए डायनामाइट से उड़ाने की भी योजना थी। महंत नृत्यदास ने खुलासा किया कि बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए संकल्प लिया गया था। उन्होंने बताया कि एलके आडवाणी भी मस्जिद को गिराने के पक्ष में थे। चंपत राय ने खुलासा किया कि बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए विश्व हिंदू परिषद का रोल विभीषण के जैसा था। पवन पांडे बताते हैं कि अगर कार सेवक बाबरी मस्जिद को नहीं गिरा पाए तो किस तरह प्लान बी के रूप में डायनामाइट था। महंत अवैधनाथ आडवाणी के दोहरे चरित्र के लिए कड़ी आलोचना करते हैं।
बाबरी मस्जिद ध्वंस को लेकर अयोध्या में हुई एक गुप्त मीटिंग का हवाला दिया। बीएल शर्मा ने खुलासा किया कि 1949 में भगवान श्री राम प्रकट नहीं हुए थे, बल्कि एक साजिश के तहत उन्हें प्रकट कराया गया था। ये तो कुछ खुलासे हैं जो कोबरा पोस्ट ने खोज निकाला है। ऑपरेशन जन्मभूमि में यह खुलासा किया गया है कि किस तरह से झूठे और धोखेबाज नेताओं ने भारत के जनमानस की धार्मिक भावनाओं का मजाक बनाकर उन्हें राजनीतिक हित साधने के लिए इस्तेमाल किया। आप देख रहे हैं ऑपरेशन जन्मभूमि। लोग नष्ट हो जाएं, इससे इनको कोई मतलब नहीं, इनको मतलब पैसा मिले, कुर्सी मिले।